हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं, जबकि बाकी 23 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी जल्द किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी ने जिन 67 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें से कुछ चर्चित और सुपर हॉट सीट शामिल हैं, जिन्हें जीतना बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई से कम नहीं है। लिहाजा लंबे मंथन और कई दौर की बैठकों के बाद कहीं जाकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई है। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट कुछ चौंकाने वाली भी है, क्योंकि अब की बार बीजेपी ने 3 मौजूदा मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं, जबकि 9 विधायकों के भी टिकट काटे गए हैं। वहीं 2 मौजूदा मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी सीट से टिकट ना देकर कहीं और से टिकट दिया गया है। जिन 3 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनके नाम हैं भवानीखेड़ा से विधायक विशंभर वाल्मीकि, रानिया विधायक रणजीत चौटाला और सोहना से विधायक संजय सिंह। बीजेपी ने इस बार इन तीनों पर ही भरोसा नहीं जताया। शायद इसी वजह से इस बार इनको विधानसभा चुनाव के मुकाबले से दूर रखा गया है। वहीं बीजेपी हाईकमान ने डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा को नलवा की जगह बरवाला सीट से प्रत्याशी बनाया है। इनके अलावा कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी से मैदान में उतारा गया है, जबकि एक सीटिंग राज्यसभा MP किशनलाल पवार को इशराना सीट से टिकट दिया गया है। वहीं एक दिन पहले बीजेपी में शामिल देवेंद्र बबली को टोहाना से मैदान में उतारा गया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 8 महिलाओं पर भी भरोसा दिखाया। अब बात करते हैं उन 9 विधायकों की जिनके टिकट बीजेपी ने काट दिए हैं। इनमें पहला नाम है गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, पिहोवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, पलवल से दीपक मंगला, रानिया से कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, अटेली से सीताराम यादव, भवानीखेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, रतिया से लक्ष्मण नापा, सोहना से राज्य मंत्री संजय सिंह। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस बार करनाल की बजाय लाडवा विधानसभा सीट से उतारा गया है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी, जबकि नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को होगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।